केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ कॉलेज के एलएलबी छात्र मोहित के हत्यारों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 14 सितंबर को सरधना भमोरी तहसील निवासी मोहित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नामजद मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई गिरफ्तारी न होने पर आज मेरठ कॉलेज के छात्रों ने पुलिस ऑफिस में पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। छात्रों ने आरोप लगाया कि थानेदार दोषियों की गिरफ्तारी की बजाय परिवार पर समझौता करने का दबाव बना रहा है। छात्रों ने यहां तक कहा कि पुलिस कप्तान को फील्ड में उतरकर काम करना होगा, तभी अपराधों पर अंकुश लगेगा। देखिए पुलिस ऑफिस का नजारा। इस बारे में छात्र नेता तरुण मलिक ने फर्स्ट वाइट टीवी को यह जानकारी दी। मैं तरुण मलिक हूँ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा दल। आज हमने कप्तान साहब का घेराव करा क्योंकि 14 तारीख में दिन निकटते ही तड़की 10 बजे भाई है मोहित, भमोरी तहसील सरधना का रहने वाला, उसे वो दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मार के हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिजनों ने नामजद रिपोर्ट करी, लेकिन आज और अभी तक भी उसमें कोई सिंगल गिरफ्तारी किसी भी आदमी की नहीं हुई है। पुलिस सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी है और समझौता कराने का दबाव बनाए जा रही है, जिस वजह से लोगों में आक्रोश है और सारे तमाम जाति के तमाम क्षेत्र के लोग आज भाई मोहित के लिए इंसाफ मांगने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और तानाशाही देखिए, लगभग 1 घंटे से आंदोलन चल रहा है और कप्तान साहब कुर्सी छोड़ के बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि कप्तान साहब को अपने इस जिले की, इस क्षेत्र के लोगों की जान की कोई परवाह रह नहीं गई है। अगर परवाह होती तो हादसा भी नहीं होता और हथियारों में दहशत होती, जो कि आज देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। हथियारे देखो खुले घूम रहे हैं। क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि कप्तान साहब इसका संज्ञान लें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और यहाँ सबकी समस्या को सुने, कुर्सी छोड़ के बाहर आए और यहाँ आके सबकी समस्या सुने। एक बार ऐसे अंदर बैठने से काम नहीं चलने वाला। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।